हेलो स्टूडेंट्स, एग्री ऑब्जेक्ट इंस्टीट्यूट के एग्री ऑब्जेक्ट इंस्टीट्यूट रायश्रीनगर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपको बता देता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो बच्चों, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, अधिक से अधिक शेयर करो ताकि आपके फ्रेंड्स सर्किल्स भी इससे लाभान्वित हो सकें, पढ़ सकें। चलो, अपनी कौन सा पार्ट चल रहा था बच्चों? तो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत अपने मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट कर रहे थे। ये आज का लेक्चर बच्चों शॉर्ट एंड स्वीट रहने वाला है, बहुत ही शानदार पुणे व सर्पगंधा की क्रॉप पर रहने वाला है। लेक्चर नंबर बच्चों 8 है। और जिन बच्चों ने अभी तक अपनी ये लेक्चर कंटिन्यू नहीं देखे हैं तो मैं पहले सजेशन करना चाहता हूँ कि आप पहले वो देखें ताकि फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। चलो बात करें बच्चों कुनेन या जेसुइट बारक, इसको क्या कहते हैं बच्चों? जेसुइट बारक। बारक क्या होता है बच्चों? छाल। तो इसका क्या काम आता है? उपयोगी भाग छाल रहेगा। तो बोटनिकल नेम बच्चों सिनकोना ओपिसिनेलिस। बात करें ये किस कुल का प्लांट है तो बच्चों फैमिली, फैमिलीज का कौन सा? रूबियेसी कुल का प्लांट है, रूबियेसी। और कई बार बच्चों क्या थियेसी कुल, थियेसी का है बच्चों चाय। तो इनमें से कई बार पढ़े हुए नहीं होते हैं तो बच्चों गलती हो जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको क्या दे दिया बच्चों? स्टार दे दिया। उपयोगी भाग इसमें यानी उपयोग इसका किसके में? मलेरिया उपचार में काम में लेते हैं, पुणे मलेरिया। ओके, अन्य उपयोग न्यूमोनिया, जीवाणु संक्रमण, गठिया इत्यादि में किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों यदि दिया जाए 5 स्टार क्वेश्चन तो बच्चों सिनकोना वृक्ष की ये किस छाल से प्राप्त की जाती है? किससे बच्चों? छाल से प्राप्त की जाती है। क्या बच्चों? कुनेन। क्या प्राप्त की जाती है? कुनेन। किस में काम में लेते हैं? मलेरिया उपचार में। बस इतना याद रखने ना। किस कुल का प्लांट है तो ये रूबियेसी कुल का प्लांट है, रूबियेसी कुल का प्लांट है। चलो हो जाएगा। सिनकोना ओपिसिनेलिस नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। तो ये कुनेन का फॉर्मूला दे दिया बच्चों, ये सिनकोना ओपिसिनेलिस नाम दे दिया। औषधि छाल युक्त जड़ों से प्राप्त होती है। किससे बच्चों? छाल युक्त जड़ों से प्राप्त होती है, तनों से नहीं है। ये क्या रहता है बच्चों? डाइकोट प्लांट रहता है, यानी कि द्विबीजपत्री रहता है, डाइकोट। सर डाइकोट कौन से होंगे और मोनोकोट कौन से होंगे? तो मोनोकोट प्लांट बच्चों क्या होंगे? किस कुल से? यानी ग्रेमिनी, ग्रेमिनी या पोएसी कुल के प्लांट हो गए। बात करें अपने पास म्यूजेसी, म्यूजेसी, म्यूजेसी कुल के प्लांट हो गए। उसके बाद में बात करें तो लिलियेसी कुल के प्लांट हो गए। और बात करें तो बच्चों अपने पास अरेकेसी या पामी कुल के प्लांट हो गए। इन कुल के जो प्लांट होंगे वो बच्चों क्या रहते हैं? मोनोकोट। और बाकी की क्या रहेंगे? डाइकोट। उपयोगी भाग बच्चों इसका किसमें? सर्पदंश, मिर्गी या निद्रा पागलपन को कम करने में किया जाता है। ओके, चलो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी आपको अच्छा लगा होगा। चलो, इसका बच्चों अल्सर व हृदय रोगियों से पीड़ित है तो उनको बच्चों ये औषधि नहीं दी जाती है। सर्पगंधा, इसका बच्चों नाम क्या रहेगा? राउल्फिया सर्पेंटाइन। इसका छोटा चांद भी कहते हैं। तो बोटनिकल नेम क्या हुआ? बोटनिकल नेम हुआ बच्चों अपने पास कौन सा? राउल्फिया सर्पेंटिना। तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों रेसरपीन व सर्पेंटीन, अलग अलग एल्केलॉइड पाए जाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुल कौन सा इसका? एपोसाइनेसी कुल का प्लांट है। सर एपोसाइनेसी और किसका है? करौंदा का है। और बच्चों कुल किसका है? करौंदा का है, एपोसाइनेसी। चलो प्रमुख एल्केलॉइड की बात करें तो बच्चों इसमें रेसरपीन व सर्पेंटीन। तो ये रेसरपीन पर मैंने क्या दे दिया बच्चों? 3 स्टार दे दिया। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन मिलता है कि रेसरपीन नामक एल्केलॉइड किस में पाया जाता है? तो अब आप कहोगे सर सर्पगंधा में पाया जाता है। अश्वगंधा में बच्चों नहीं पाया जाता है। क्या पाया जाता है अश्वगंधा में? विथेनिया सोमेनिफेरा इसका नाम रहता है। तो विथेनिन व सोमेनिफेरिन पाया जाता है। तो ये छोटा सा क्रॉप था। तो इस प्रकार उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी लेक्चर आपको काफी अच्छा लगा होगा। और अधिक जानकारी के लिए संस्थान के नंबर दिए गए हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।